दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों चुनावी दौरे पर हैं। जहां जहां चुनावी मौसम है वहां वहां विरोधियों पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जमकर बरस रहे हैं। खासकर पंजाब पर आपकी पूरी नजर है और हमारी भी निगाह टिकी हुई है। कैप्टन का कांग्रेस की टीम से पत्ता कटने के बाद अरविंद केजरीवाल को अपनी जीत की राह में अड़ा रोड़ा निकलने की उम्मीद बंधी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में अपने सपने के मुख्यमंत्री को पंजाब की सत्ता में लाने के ख्वाब देखने लगे हैं। पंजाब में क्या केजरीवाल की झाड़ू उनके विरोधियों का सफाया कर पाएगी? इस सवाल का जवाब तो अरविंद केजरीवाल हां जी हां के दावे के रूप में देते हैं, लेकिन कहना आसान है पर होना वोटर्स के हाथ में, क्योंकि सत्ता की बागडोर हाथ के चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस के पास है। पंजाब में चन्नी एंड टीम का मखौल उड़ाते अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की गुटबाजी की तुलना सर्कस से कर डाली। आज कांग्रेस पार्टी एक सर्कस बन गई है। सर्कस गए हो गए ना, वैसी सर्कस बन गई है। सिद्धू साहब की चन्नी साहब से नहीं बनती, चन्नी साहब की जाखड़ साहब से नहीं बनती, जाखड़ साहब की प्रताप बाजवा से नहीं बनती, प्रताप बाजवा की फतेह चंद बाजवा से नहीं। सारे लड़ रहे हैं आपस में, कैबिनेट मीटिंग के अंदर इनके गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, मुक्के चलते हैं इनकी कैबिनेट मीटिंग के अंदर। कैसे चलेगी ऐसे सरकार, ऐसी पंजाब सरकार, ऐसी पार्टी क्या कांग्रेस को भविष्य दे सकती है? पंजाब की सत्ता पर दावा ठोकने वालों की लिस्ट में शिरोमणि अकाली दल का नाम भी आता है, लेकिन ये नाम आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं भाता है। केजरीवाल जानते हैं और अच्छे से पहचानते भी हैं कि सत्ता विरोधी लहर का फायदा अगर उनकी पार्टी को होता है तो इस फैक्टर का थोड़ा सुख सुखबीर सिंह बादल की पार्टी को भी होता है। लेकिन ये सब तो चर्चाएं हैं, लेकिन चर्चा भी तो एक नतीजे पर पहुंचती ही है, इसलिए इतिहास के पन्नों से भी राजनीतिक हथियार मिल जाते हैं। क्यों केजरीवाल जी, तब से लेके आज तक 25 साल पंजाब पे कांग्रेस ने राज किया, 19 साल पंजाब पे अकाली दल ने राज किया। आपने 25 साल कांग्रेस को दिए, 19 साल अकाली दल को दिए। मैं आपसे केवल 5 साल मांग रहा हूं। आप हमें 5 साल दे दो, अगर पसंद नहीं आए तो अगली बार हटा देना हम लोगों को। पंजाब की लंबी में अपने लंबे भाषण में कई लंबी घोषणाएं करते हुए अरविंद केजरीवाल की जुबान पर अगर किसी का बार बार नाम आता था तो वो उनके धुर विरोधी चरणजीत सिंह चन्नी का था। भ्रष्टाचार, स्कूल, अस्पताल, विकास सब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषण में था, लेकिन चोरी शब्द का बार बार इस्तेमाल ये राजनीतिक लड़ाई को एक कदम और आगे ले जाने के लिए काफी था, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये भाषण साबित भी कर सकता है। इनको पता है कि अब जाने वाले हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सारे कमाने में लगे हुए हैं। जाते जाते जितना कमाना है सारे कमा लो। रेता चोरी, मुख्यमंत्री के चन्नी साहब के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है। राघव चड्ढा रेड मार के आया था अभी 3 दिन पहले, आपने टीवी में देखा होगा, मुख्यमंत्री के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है। ऐसा हो सकता है मुख्यमंत्री को नहीं पता हो? मुख्यमंत्री को पता होगा नहीं पता होगा? अगर मुख्यमंत्री के हलके में चोरी हो रही है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री चोरी करवा रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके पास भी जाता होगा, तभी मुख्यमंत्री के हलके। ऊपर से लेके सारे नीचे तक इनके विधायक, इनके मंत्री सब चोरी करने में लगे हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पे आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में चोरी कर रहा है। हर मंत्री, हर विधायक चोरी करने में लगा हुआ है। इससे भ्रष्ट सरकार आज तक हमने कभी नहीं देखी। चोरी चोरी चुपके चुपके पंजाब की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी टीम को बहुत पहले एक्टिव कर दिया था। धरातल पर आम आदमी पार्टी को बड़ा सपना दिखाने वाले केजरीवाल सबको सुविधाओं से मालामाल करने के दावे रोजाना कर रहे हैं, साथ ही हाथ को बाय बाय और तराजू से सब विरोधियों का हिसाब करने के मुद्दे पर भी खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन पंजाब के लोग इन बातों से कितना मंत्रमुग्ध होंगे ये तो 2022 के महासंग्राम का नतीजा खुद ब खुद बता देगा। इसलिए पंजाब की सियासत भी कह रही है तब तक पंजाब में आपका भी स्वागत है। कमल कौशिक, खबरें अभी तक।